नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। डीएलएड रिजल्ट पर आखिर रोक क्यों लगाई गई है और शिक्षक साथी के जो चयन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और डीएलएड के अंक पत्र अब आखिर अधर में फंस गए हैं। डीएलएड वर्सेस बी जो बीएड का मामला है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अब नया टर्निंग पॉइंट एक देखने को मिल रहा है। डियर, अगर आप इन सारी न्यूज से रिलेटेड है तो वीडियो पर अंत तक बनी रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सटीक और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए आपको दिखाते हैं एक एक न्यूज। आपकी स्क्रीन पर पहली न्यूज जो है वो प्रशिक्षुओं का अंक पत्र के वितरण पर रोक लगाई गई है। डियर, ये डीएलएड के जो सेमेस्टर्स के एग्जाम होते हैं, कुछ भी किसी भी आप जो है कहीं ना कहीं किसी भी बैच से आप रहे हों, लेकिन अगर आप तीन बार उसी बैच में उसी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तीन बार बैक आई है और आप प्रत्यावेदन देने के बाद एससीईआरटी कार्यालय में तब पास हुए हैं तो आपके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा 2021-22 में अतिरिक्त अवसर प्राप्त कर शामिल प्रशिक्षुओं के अंक पत्र साथ ही प्रमाण पत्र के वितरण को रोक दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सभी डैट प्राचार्यों को निर्देशित किया है। एक विषय में तीन बार फेल और निदेशक एससीईआरटी आदेश पर शामिल जो प्रशिक्षु पास हुए थे उनके चिट पर रोक लगाई गई है, इसलिए यह मामला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्यावेदन है वो इस बार के साथियों के प्रत्यावेदन नहीं लिए जा रहे थे, वो जो छात्र थे वो कोर्ट चले गए हैं और आने वाली जो तारीख है 5 दिसंबर को इस केस पर हाई कोर्ट में जो है रिट है और जो कहीं ना कहीं जो सुनवाई होगी, क्योंकि उन छात्रों को भी प्रत्यावेदन में मौका मिलना चाहिए जो अन्य बैचों के हैं, जो क्योंकि पहले के बैचों को आपने मौका दिया है तो आगे आने वाले बैचों को भी आप मौका दीजिए। उन छात्रों का ये कहना है कि हमें मौका दीजिए, अन्यथा जो आप पिछले प्रत्यावेदन में जिनको पास किए हैं उन सब का जो रिजल्ट है वो रद्द कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये डीएलएड छात्रों के लिए बुरी खबर हो सकती है, उनका जो मार्कशीट है डीएलएड है वो इनवैलिड हो सकता है, क्योंकि तीन बार जिसके बैक लगा है चौथे प्रत्यावेदन में पास हुए साथी का रिजल्ट वितरित नहीं किया जाएगा। पीएनपी कार्यालय द्वारा ये नोटिस जो है वो जारी की गई है। अगली न्यूज आप देख पा रहे हैं, रिटायर गुरुजी जो है वो परीक्षा पास करके बन सकेंगे शिक्षक साथी। शिक्षक साथी के चयन की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई हैं, ये प्रयागराज से न्यूज रिलेटेड निकली हुई है। 2500 रुपये प्रतिमाह है, लेकिन इसमें पहले आपको एग्जाम पास करना होगा, 60 नंबर की विषयवार लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद माइक्रो टीचिंग होगा, शिक्षण प्रदर्शन करना होगा। आपको किस प्रकार से टीचरों को आपको कहीं ना कहीं जो है पर्टिकुलर प्रशिक्षित करना है, इन सब में जब आप हो जाएंगे तब आप शिक्षक साथी बन पाएंगे। ये रिटायरमेंट जो साथी थे शिक्षक थे 62 वर्ष की उम्र से, उनके लिए ये एक नई भर्ती निकाली गई है संविदा बेस पर, वही दिखाया जा रहा है। शिक्षक साथी के लिए तीन चरणों में देनी होगी परीक्षाएं, पूरा मैटर शिक्षक साथी के चयन की शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं ये संविदा भर्ती पर ये पूरी तरीके से एक बड़ा कदम जो है योगी सरकार का माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की, जिसकी सुनवाई 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होनी है और इसमें सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट अब ये आ रहा है कि जो बीएड है आपने पात्र तो कर दिया, लेकिन किसी भी बीएड डिग्री धारकों का 69,000 में जो चयन हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज तक आपने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया, जबकि नियुक्ति के 6 माह के अंदर जो है ब्रिज कोर्स कराने का आदेश दिया गया था हलफनामे में सरकार के द्वारा एफिडेविट भी। अब 6 माह क्या 2 साल हो गया, आज तक बीएड साथियों को राज्य की जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स नहीं करवा पाई है, इसलिए मामले में काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर भी अपना रवैया जो है आने वाली 24 तारीख को रुख जो है कड़ा करने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। सरकार को इस पर भी फटकार लग सकती है और 24 तारीख को बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस के सभी जो मामले हैं वो सुने जाएंगे, क्योंकि जो और भी जो पक्ष थे पर्टिकुलर उन सबको एसएलपी दायर करने के लिए नोटिस जारी कर दी गई है इस संदर्भ में, तो 24 तारीख को इस पर एक ऐतिहासिक जो फैसला है वो आ सकता है, आर्डर रिजर्व हो सकता है। आज का अपडेट था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।